ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए दो किस्म के टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस कराए गए एक इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरे ग्रुप टेस्ट तो इंडिविजुअल टेस्ट में जब ये देखा गया कि वहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो इम्प्लीमेंट द टेस्ट एंड देन टू ऑपटेन स्कोर्स फ्राम वन पर्सन टू पर्सन सो इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड आल्सो द बजट एंड द मनी एंड द कॉस्ट तो इस वजह से फिर uh, इस इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर एक कॉन्सेप्ट ग्रुप टेस्ट का जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया उसमें ये था कि फ़ौर uh, जो है अगर हम 40 लोग हैं या हमारे पास 500 हैं या थाउजेंड पीपल हैं तो हम अब वन टू वन अगर जाएंगे तो हमें बहुत सारा टाइम भी रिक्वायर है और हमें वर्कफोर्स भी चाहिए और हमें पैसे भी चाहिए किस तरह से उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें Uh, कोई प्लेस भी चाहिए जहाँ पे इतने सारे लोगों को बिठा के अब वन बाय वन अगर आप इंटरव्यू करने लगें या वन बाय वन अगर आप उस इंडिविजुअल टेस्ट को अप्लाई करने लगें तो इट यू नो नीड्स ए लॉट ऑफ रिसोर्स जिसको इस कॉम्प्लिकेशन को uh, को रिजॉल्व करने के लिए फिर ग्रुप टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस कराया गया अब ग्रुप टेस्ट जो है इसमें uh, जो uh, ये था कि ये दो उसके जैसे थॉर्नडाइक का इंटेलिजेंस टेस्ट था और ऑर्टिस लेनन का स्कूल एबिलिटी टेस्ट था ये दोनों काफ़ी जो है वो आ, फेमस भी हुए क्योंकि स्कूल टेस्ट का पूरी पूरी क्लास को ये टेस्ट दे के एबिलिटी टेस्ट का मतलब ये था कि इसी तरह जो कि उसकी स्किल्स हैं एनालिटिकल लॉजिकल कॉम्प्रिहशन और उसके बाद लॉजिकल उसकी क्वान कौंटि, स्किल्स और इस तरह एविडेंस uh, को एक्सप्लेन करने की स्किल्स कोई भी जो इन टेस्टों में शामिल थी बेसिकली इंटेलिजेंस को मेजर करना था जो कि उसके एलिमेंट्स हैं तो ये फिर पूरी पूरी क्लास के ऊपर जो है एक वक्त में आधे घंटे में या फोर्टी uh, फाइव से सिक्सटी मिनट्स में जो है ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता था और इसके रिज़ल्ट जो है फ़ोर कंप्यूटर के ऊपर जो है वो uh, एक अगर दो स्कोर एक टेस्ट का है टोटल है तो इन्होंने कुछ उसकी मेजर्स बना लिए कि अगर ये 160 से 170 के दरमियान होगा तो वो वेरी इंटेलिजेंट होगा अगर 130 से 140 के दरमियान है तो उसका इतना इंटेलिजेंट तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक वक्त में बहुत सारे लोगों को असेस किया जा सकता था तो ग्रुप टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है इस वजह से ये सामने आया अच्छा इसमें अब ये भी एक प्रॉब्लम आई इन टेस्ट के हवाले से कि देखा ये गया कि अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है जैसे अगर आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट अमेरिकन यूज़ करना चाहते हैं या ब्रिटिश यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो बड़े कम हैं तो हमेशा हम बाहर से मंगवा के जो टेस्ट है वो बड़े महंगे टेस्ट हैं वेरी एक्सपेंसिव लाखों में उनकी कीमत है तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को अब एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़ी मुश्किल से बाय कर सकता है अगर उसको कोई फंडिंग मिलती है तो ज़रूरत इस अमर की अभी भी है कि हम अपने जो है इंडिजनस जैसे हम कहते हैं जी लोकल टेस्ट जो है वो ज़रूर होने चाहिए ताकि हमारी ये सारी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की तो इसकी मेजरमेंट की हमें हर वक्त ज़रूरत है उसकी मदद से आप अपने बच्चे को उसके फ्यूचर को के लिए बेटर जो है गाइड कर सकते हैं क्योंकि इस बच्चे का एप्टीट्यूड ये है एप्टीट्यूड टेस्ट से आप उसका एप्टीट्यूड पता चला सकते हैं आया इसको इंजीनियर बनना चाहिए आया इसको डॉक्टर बनना चाहिए आया इसको किस फील्ड में जाना चाहिए तो इंटेलिजेंस भी आपको बता सकती है जिसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि आप ओवर एक्सपेक्टेशंस पे नहीं जाते आप अपने बच्चे को जो है वो आ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कायम कर लेते अब अगर उसकी इंटेलिजेंसी एवरेज है तो वो किस तरह से आप हायर रैंक पे जाके आपको दिखाएगा इस जब आप अपनी बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं ओके को जी डॉक्टर इंजीनियर ही उसको बनाना चाहिए तो वो हार्ड वर्किंग करने के बाद जब नहीं पहुंच पाता उस लेवल पे तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है फिर वो किसी भी फील्ड में जाने के काबिल नहीं रहता क्योंकि प्रेशराइज उसको घर से इतना ज़्यादा किया जाता है और उसको कहा जाता है ये तो जी निकम्मा है ये तो इसने इसने इम्प्रूव ही नहीं किया हमने इस पर बड़ी मेहनत की है बट विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस यू कैन असेस योर चाइल्ड्स इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड एक्यूरेटली तो अब ये जो टेस्ट थे इन्होंने स्टूडेंट्स की जो है इंटरेस्ट भी बताई और स्टूडेंट्स का जो है वो आ, आ, पूरा जो एबिलिटी है वो बताई जिससे क्लास टीचर को बड़ी हेल्प मिली और आ, उसने हर एक स्टूडेंट से जो है ना एक ग्रेड की एक्सपेक्टेशंस जो है वो आ, लगानी छोड़ी और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मैं हमारी क्लास के अंदर कितने जो हैं वो हाई अचीवर्स या हाई इंटेलिजेंट वाले बच्चे हैं कितने एवरेज हैं और कितने जो हैं वो बिलो एवरेज हैं उससे एक ग्रुप जो है वो टीचर को अंदाज़ा हो गया वो उसने अपनी उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी टीचिंग जो है उसको मैनेज कर सकती है तो ग्रुप टेस्ट के जो हैं वो ये बड़े फ़ायदे थे कि इन ग्रुप टेस्ट ने जो है हमें एक वक्त में बहुत सारे लोगों की असेसमेंट जो है वो पॉसिबल बनाई और बहुत जल्दी और क्विक वे में हमें एक इंफॉर्मेशन जो है वो इन ग्रुप टेस्ट से मिल जाई